आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा औषधीय पौधा है लाजवंती। यह आयुर्वेदिक पौधा हमारे भारतवर्ष के लगभग सभी गर्मी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस पौधे के पत्तियों को छूने पर इनकी पत्तियां सिकुड़ मुरझा जाती है, फिर कुछ क्षण बाद अपने आप ही पहले की स्थिति में आ जाती है। इसकी इसी विशेषता के कारण ही इसे छुई में पौधा भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे लजालू, लचकुरीबन आदि कहा जाता है। दोस्तों, इसके पंचांग का उपयोग कई प्रकार के भयानक शारीरिक रोगों को दूर करने में किया जाता है। आज हम इस वीडियो में इसके पंचांगों के औषधीय फायदों के बारे में बताने वाले हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, आओ देखें चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। ये छुई में पौधा के फूल हैं, जो कि गोलाकार होती है और हल्के गुलाबी रंग में खिली रहती है। यह दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है दोस्तों, जैसा कि आप सब भी देख सकते हैं। इस पौधे के तने में गांठ गांठ पर कांटे होते हैं। इसका पहला औषधीय प्रयोग है दोस्तों, इसका उपयोग पथरी के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। इसके लिए इसके जड़ का चूर्ण का 8-9 ग्राम क्वाथ बनाकर सुबह शाम कुछ दिन तक पिलाने से पथरी गल कर नष्ट हो जाती है। इसका बहुत ही लाभकारी प्रयोग है दोस्तों पथरी के लिए। इसका दूसरा औषधीय प्रयोग है, यदि बहुत ही ज़्यादा खांसी आती हो, खांसी रुक नहीं रही हो, तो इसके जड़ की कुछ टुकड़ा लेकर गले में धारण करने से खांसी नहीं आती है। इसका तीसरा औषधीय प्रयोग है दोस्तों, यह बवासीर जैसी बीमारियों को भी दूर करने में बहुत ही गुणकारी होती है। इसके लिए इसके पत्ते का चूर्ण दूध के साथ सुबह शाम 3 दिन तक पिलाने से बवासीर में राहत मिलती है। बवासीर और भगंदा जैसी बीमारियों के लिए इसका दूसरा प्रयोग भी है। इसके जड़ व पत्ते का चूर्ण 1-1 चम्मच दूध के साथ दिन में 2 बार पिलाने से बवासीर व भगंदा जैसी बीमारियों में काफ़ी लाभ होता है। अब इसके पांचवें औषधीय प्रयोग के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, यह रक्त अतिसार को मिटाता है। इसके लिए इसके जड़ का चूर्ण 2-3 ग्राम लेकर दही के साथ खाने से रक्त अतिसार मिटता है। घाव को ठीक करने के लिए इसका छठवां औषधीय प्रयोग है, इसके बीजों का चूर्ण फोड़ा, घाव, फुंसी आदि पर लेप करने से घाव शीघ्र ही ठीक होते हैं। दोस्तों, यदि अपच की समस्या हो, पेट साफ नहीं होता हो, तो इसका सातवां औषधीय प्रयोग है, इसके पत्तों का रस 1-2 चम्मच पिलाने से अपच ठीक होकर पेट भी साफ हो जाता है। दोस्तों, यह पीलिया रोग को भी नष्ट करने में बहुत ही लाभकारी होती है। इसके लिए इसका आठवां औषधीय प्रयोग है, इसके पत्तों का रस कुछ दिन तक पिलाते रहने से पीलिया रोग भी नष्ट हो जाता है। यह पौधा मधुमेह, जिसे शुगर और डायबिटीज भी कहा जाता है, की बीमारी को भी दूर करने में सहायता प्रदान करता है। इसके लिए इसका 9वां औषधीय प्रयोग है, इसकी जड़ का चूर्ण लेकर 1-2 चम्मच की मात्रा में पानी में मिलाकर कुछ देर तक उबालें, फिर जब पानी का चौथाई हिस्सा बचे तो उसे छानकर पिलाएं। ऐसा करने से मधुमेह नियंत्रित होकर सामान्य स्थिति पर आ जाता है। इसके लिए यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है। दोस्तों, यह दांत दर्द को भी खत्म करती है। इसके लिए इसका 10वां औषधीय प्रयोग है, यदि दांत में दर्द होता हो तो इसके जड़ों का चूर्ण पानी में उबालें और उतार कर ठंडा होने दें, फिर उस पानी से कुल्ला करें तो दांत पीड़ा निश्चित रूप से कम होती है।
दोस्तों, यह शारीरिक दुर्बलता, शारीरिक थकान, कमजोरी को भी मिटाने में उपयोगी होती है। इसके लिए इसका 11वां औषधीय प्रयोग है। इसके बीज का चूर्ण 3 ग्राम लेकर दूध के साथ सोने से पहले कुछ दिन तक पिलाने से शारीरिक कमजोरी, थकान आदि मिटने लगता है। दोस्तों, यह पौधा आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही यह दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगती है। इसीलिए इस पौधे को घर में गमले में लगाकर घरेलू माहौल को सौंदर्यजनक भी बनाया जा सकता है। तो बस यही थी दोस्तों इस पौधे से होने वाले महत्वपूर्ण औषधीय फायदों के बारे में जानकारियाँ। आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और पेड़ पौधे से रुचि रखने वाले अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।